अरे मौज को बाबू, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो क्या? उसको भी बहुत खेलना पसंद था लेकिन लड़कों के दिलों से। भजन सुन रहे हो तुम? टट से फेल होके आया हूँ। तीसरी क्लास में कौन फेल होता है? राबी फेवरेट हो। कॉल इसका टाइम हो रहा है बढ़िया, 10:30 बज रहे हैं पर मुझे बुला लिया है। तैयार हो के चल, तैयार हो जल्दी आओ। साले वीडियो बनाया करूँगा तेरी हर चीज़ की। फोन करके उठा दिया मैंने, फिर भी नहीं उठा, इतना तो जलील है ये। चलो बढ़िया जल्दी। ऐसे चले जाऊंगे कॉलेज तेरा सही यार, ना नाना ना धोना सीधे तैयार बैठ गया। सीधे तैयार हो जाओ उठते ही। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और अभी मैं हूँ फैज के घर पे और अभी मैं तैयार होके तो पूरा आ गया हूँ, और ये अभी तक तैयार नहीं हुआ और कॉलेज का टाइम हो चुका है और अभी ये तैयार होने आए ये भी, और ये भी तैयार होके आता है फिर हम कॉलेज जाते हैं, फिर जो भी होता है पूरे दिन में वो आपको दिखाते हैं। और पूरा देखने के लिए व्लॉग में बने रहना, जाना मत। और बढ़िया लग रहा हूँ, नहीं लग रहा मैं इतना बढ़िया लग रहा हूँ कि कमेंट भी नहीं कर पाओगे तुम कैसा लग रहा हूँ, इसलिए कहना बेकार है। मुझे पता है तुम्हारी बोलती बंद हो गई होगी। चल बे ड्राइवर, हेलमेट पहन ले, हेलमेट हेलमेट, तेरी शकल देखते गाड़ी सीज कर देगा वो। अब चल, कल से ऐसी बस में चला करें क्या? है कैसे बस में चलेगी, कैसे लटकती सारे, तू जगह भी नहीं देगा कोई, तो बोल रहे तो खड़ा रहे बस। गाड़ी के पीछे क्या कर रहा है वे? है गाड़ी के पीछे क्या कर रहा है? यहाँ पे नाले, यहाँ पे घर पे तो आगे नहीं आया। तो यार अभी तो 60 मिनट है, वो भी ऐसी वेट करा करती थी। अब मर्सिडीज से टच नहीं हो यार, देख के चलियो बस, सीधे सामने चल रही है तेरे। बोलो गणपति बप्पा। और पेट में चूहे दौड़ने के कारण हम आ जाते हैं कचौड़ी खाने कॉलेज से पहले, और फिर मैं इसके पेंसिल बॉक्स में ये देखता हूँ। तो भाई स्कूल आए थे अपने और रिफंड मिल रहा था फीस का, तो रिफंड लेने आया भाई स्कूल। 4-5 हज़ार का रिफंड आएगा, 1 करोड़ का डिब्बा तो आई जाएगा उतने में। तो रिफंड लेके आते हैं और फिर जाते हैं वापस। भाई जी अपना अभी कुछ पूरा स्कूल है, और मैंने सोचा कि स्कूल में आया तो थोड़ा घूम भी लें, इतने दिनों बाद यादें ताज़ा हो रही हैं। वैसे याद है तो यहाँ पे वो ही हैं सब, बार बार खड़े होने की, इनको ही नहीं याद है तो याद है। सर से मिलने आया है ऊपर। तो भाई सब एक सर से मिलने जा रहे हैं। प्रवीण सर या अरुण सर देखना है? लाइब्रेरी में बैठे हैं क्या? प्रवीण क्या पूरा लाइब्रेरी में, पूरा लाइब्रेरी में तो याद आ रही थी सर आपकी, क्या बात है। थैंक यू सर, फेवरेट हो मेरी वाली ये है और तेरी वाली ये है, जी तो ज्यादा पहुंच ही नहीं पाया। राघव की ये वाली है, तीनों की मीटिंग होती थी। चेकिंग हो रही है बोर्ड की, चेकिंग भाई ऐसे चेकिंग कर रही है। तो ये वाली क्लास में तेज संग में है, इस वाली क्लास में फैज और मैं थे साथ में, ये फिफ्थ में भी मेरे साथ था। हाँ मैं अच्छा आया हूँ, अच्छा आया था। ये वाली दी भाई,
ये फेवरेट जगह है खड़े होने की। हाँ मान लगाई थी हम भाई। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। वो फीस के लिए आए थे वो उसको पहचान गई आप? उसको पहचान गई? पहचान गई तीनों को। इसका नाम क्या है? फैज खान। मेरे तो 5,632 रुपये आए हैं और इसके 4,500 आए हैं, तो ये इसी बारे में बात करने गया है कि मेरे इतने कम क्यों आए पैसे। तो सेहत को ध्यान में रखते हुए हम आ जाते हैं एक एक गिलास जूस पीने, और इसको देख के मेरे दिमाग में आता है कि उसने भी मेरी एक्सपेक्टेशन को ऐसी कुचल डाला। चल निकल अब। सो हेलो गाइस, घर पे पहुंच चुके हैं अभी और कॉलेज से आके काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है, तो अभी हम सोएंगे और शाम को जो भी होता है जहाँ पे भी जाते हैं वो आपको दिखाएंगे। जब तक के लिए ब्लॉग में बने रहना, जाना मत तुम। चलो बाय, मिलते हैं शाम को। तो उसने भी ऐसी दिल को फाड़ दिया था, कोई तो फट ही नहीं रहा। चोट से फाड़ रहा है अपनी। अपना दिल दे रहा हूँ इसे निकाल के। ले मेरे दिल, दो दिल है मेरे, ले ले लेना। भाई ये तो फट ही नहीं रहा, कैसा बेशरम दिल है ये। मौसकी बाबू, अच्छा तुम बॉल से खेलना चाहती हो? उसको भी बहुत खेलना पसंद था लेकिन लड़कों के दिलों से। तेरी। और गाइस देखो, आज मैं एक्टिव आता हूँ तो मेरी सिक्योरिटी पैदल है। कितने की है? 10 की। इतनी सस्ती? वो भी सस्ती थी। क्या प्रॉब्लम है मेरे में? पैसे कभी भी वापस नहीं करता है लौट करके। इतनी गंदी आदत हो गई है तेरी। पहले मैंने कही थी मेरा बड़ा मोड़ा बड़ा ईमानदार है, सच्ची बात कर दो, मैं भी पैसा बताऊंगा। अब बड़ा मोड़ा मेरा ही छोटा सा है। होयो बहुत ही ज्यादा बाय ये सब पैसों की कमी के कारण है। पैसा टाइम पे ही तो कमाओ, कहीं वही डकैती डाल रहे हो मौजकी बाबू। भजन सुन रहे हो तुम मौजकी बाबू? भजन सुन रहे हो? भजन मौजकी बाबू, तुम पनील के लिए बैठे हो ना? भजन भजन से कुछ मतलब नहीं है लालची मौजकी बाबू। क्या इसने दूध फैला दिया? दूध फैला दिया तूने? तो भाई जो अभी दूध पहला था वो मेरे से पहला था, और मैं इस पे इल्जाम रख रहा था लेकिन मम्मी ने पकड़ लिया मुझे। इससे तो पूछेगी ना किसने पहलाया दूध। अब आड़िया चल। अबे बैठ सही कर लेने। बैठ जा, चल हट हट। पागल पागल है, 5-6 बार से जी कर रहा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अबे चल हट जा, चल अच्छा छोली तेरा झूठा नाम लगा रहा था मैं, छोली छोली बहुत की बाबू। चल हट जा। चलो
ये पागल पर नहीं है ये इसके। बस हो गया शांत। बस अरे मौज को बाबू तुम इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो क्या? अच्छा तुम्हें स्विमिंग सीखना चाहते हो? स्विमिंग सीखना चाहते हो? स्विमिंग नहीं सिंगिंग। मैं मौत की बाबू क्या सीखना चाहते हो? तो भाई ये पहुंच चुके और ये छत के नजारे और हवा चल रही है बहुत भयंकर, मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे जिम कर लो तगड़ी, और ऐसा मन कर रहा है नहीं पत्थरों से जिम कर लो ऊपर। Check.
इस वीडियो के नीचे 1,00,000 कमेंट हो जाते हैं तो ये पूरा ये वाला डिब्बा मेरी तरफ से गिव अवे, 1,00,000 कमेंट। तो भाई वर्कआउट तो हो चुका खत्म, अब जा रहे हैं घर पे और आपसे मिलते हैं घर पे सीधे। बहुत तगड़ा वर्कआउट हुआ, आपने देख लिया होगा। सो हेलो गाइस, और ये दूसरा दिन है और वर्कआउट आपने देखा थोड़ा बहुत ही शूट कर पाए, ज़्यादा पूरा शूट नहीं कर पाए वर्कआउट, जो भी आपने देखा काफ़ी अच्छा वर्कआउट रहा। और अभी सुबह हो रही है, मुंह धो के नाश्ते का वेट कर रहा हूँ। जब तक के लिए करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे फिर एक बहुत बेहतरीन व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चलो सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगेगा, ठीक है।